मीटर है, इसका मॉडल नंबर है FM301। ये मेनली हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक में डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग के पर्पज से मेनली जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इसका यूज करते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट क्वार्टर में जो यूट्रस कॉन्ट्रेक्शन होता है और फीटल हार्ट रेट के मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। इस मेन यूनिट के साथ एसेसरीज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पावर अडप्टर दिया गया है, ये पावर केबल दिया गया है, यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब है जिसका कनेक्शन मशीन के साथ यहाँ पे लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलर दिखाए गए, येलो कलर इज द सेम इंडिकेटर कि वो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद अब ये टोको ट्रांसड्यूसर है जिसका प्रोब यहाँ पे लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाए गए हैं। उसके बाद है ये फीटल मूवमेंट मार्कर है जिसका प्रोब यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक स्विच दी गई है जिसके ज़रिए आप वेव फॉर्म में मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये बेल्ट दिया गया है जिसके ज़रिए आप अल्ट्रासाउंड एंड टोको के प्रोब को पेशेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्मल प्रिंट पेपर रोल है जिसका कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंट का कैबिनेट दिया गया है जिसको पुश कर रही है आप मशीन में। इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसमें पेपर डाल सकते हैं। कंटिन्यू। और ये अर्थिंग का प्रोब दिया गया है जिसका कनेक्शन मशीन के आप पीछे लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ एक ऑपरेशनल मैनुअल दिया गया है जिसमें सारे फंक्शन के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये पावर स्विच है, इसको प्रेस करते ही मशीन ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मशीन ऑन की हुई है। इसमें फोल्डेबल स्क्रीन है जिसके साइज़ है 10.4 इंच, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया गया है जिसमें डिफरेंट स्विचेस दी गई हैं। बीच में एक ऑपरेशनल की दी गई है जिसमें आप अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। सबसे पहला है ये पेशेंट इन्फो, पेशेंट इन्फो को डालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर अलार्म बज रहा है तो उसको साइलेंट करने के लिए की का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मशीन मैटरनल अपग्रेडेड है तो मदर के NIBP को डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्वींस चल रहा है तो फीटल हार्ट रेट 1 और 2 को शिफ्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए इसको इस बटन का यूज़ कर सकते हैं आप, और टोको के बेस अलार्म को ज़ीरो करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इस ऑपरेशनल कीज के थ्रू आप इस मॉनिटर को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अप डाउन की से ये कर्सर मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर है, इसको सिलेक्ट करने के लिए इस एंटर की को प्रेस करिए। आप देख सकते हैं मेन मेनू ओपन हो गया है जिसमें सबसे पहले है तीन फंक्शन है, पेशेंट इन्फो, साइलेंट और प्रिंट। ये तीन फंक्शन आपको मॉनिटर पे भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप पेशेंट इन्फो डाल सकते हैं, ये अलार्म के लिए है और ये प्रिंट के लिए है। वो सेम थिंग्स आपको कंट्रोल पैनल में भी दी गई है जिसमें यहाँ पे है पेशेंट इन्फो, ये अलार्म के साइलेंट के लिए है और प्रिंट के लिए है। इस तीन फंक्शन के बाद आता है FM0 और TOCO0। FM0 और TOCO0 ये उसकी बेसलाइन को ज़ीरो करने के लिए होता है। ज़ीरो का मतलब है कि आप उसकी इनिशियलाइज प्रेशर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये 20 दिया गया है और इसकी बेसलाइन इनिशियलाइज प्रेशर वैल्यू 20 ही रहती है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है फीटल मॉनिटर पैरामीटर, इसमें आप डिस्प्ले, बेसलाइन, FM ऑटो चेक ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टोको जीरोइंग ऑटोमेटिकली बिफोर मॉनिटरिंग, इसका मतलब है कि मशीन जब ऑन हो तो आपको इसको सिलेक्ट रखना है जिससे वो टोको ज़ीरो हो जाएगा। फिर है फीटल मॉनिटर अलार्म, यहाँ पे आप फीटल हार्ट रेट
कि ओवर एंड हायर एंड लोअर रिम लिमिट को सेट कर सकते हैं, अलार्म का डिले सेट कर सकते हैं, उसका ओवरलैप का और सन सेंसर के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है जिसमें आप प्रिंट की स्पीड, टाइम, उसकी विड्थ ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं और वेवफॉर्म की पोजिशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सिस्टम जिसमें आप डेट, टाइम, उसका फॉर्मेट, लैंग्वेज ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं और डेमो मोड भी यहाँ से ऑन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डेमो मोड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद है सर्वर जिसमें आप सेंट्रल मॉनिटरिंग के लिए फंक्शन यूज होता है, आप यहाँ पे डेट इंफॉर्मेशन डाल के उसको सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस है जिसमें ये मेनली टेक्निकल पर्सन के लिए, जो सर्विस इंजीनियर होते हैं उसके लिए मेनली फंक्शन दिया गया है। अबाउट में है कि यहाँ पे जो पैरामीटर आप देख सकते हैं जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो इसमें इनबिल्ट हैं और ये सारे पैरामीटर आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है एसेट। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबफॉर्म और अलार्म के रिव्यू करना है तो इस फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीज। स्क्रीन को फ्रीज करने के लिए आप इस मेनू का यूज कर सकते हैं। इसको अनफ्रीज करने के लिए वापस से उसको प्रेस कर दीजिए। ये स्विच का बटन है, अगर आपको ये पैरामीटर हाईलाइट करवाने हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये पैरामीटर हाईलाइट हो रहे हैं। उसको वापस उसको प्रेस करने के लिए वो अगेन। उसके बाद आता है एनएसटी टाइमर जिसमें आप ऑटो रिकॉर्ड पीरियड सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम दिए गए हैं जो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्टर। अगर कुछ मेजर मूवमेंट हो रही है और डॉक्टर कुछ मैन्युअली डालना है तो वो इसके जरिए वहाँ पे मैन्युअली अपने कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।